आगरा के बाह क्षेत्र में बसा हवेलियों का गांव होलीपुरा को अब हेरिटेज गांव का दर्जा मिल चुका है। गांव के करीब 350 साल पुरानी 5 हवेलियां और तकरीबन 200 साल पुरानी 38 हवेलियों ने विश्व पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई है, जिनमें ब्रिटिश काल और मुगल कालीन कला का रंग देखने को मिलता है। इस कारण ये है कि गांव की सदियों पुरानी हवेली आज भी अपनी धरोहर और इतिहास को मजबूती से संजोए है। वही गांव की हवेलियों का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता ने, आप देखिए इस खास रिपोर्ट को। 51 में एक गांव को बसाया गया था जो कि सेनापति महाराज बदावर विक्रमजीत के सेनापति होली सिंह के द्वारा बसाया गया। उन्हीं के नाम से गांव का नाम पड़ा होलीपुरा। होलीपुरा गांव की विशेषता आज ये है कि पूरे गांव को हेरिटेज में बदला गया है, और उसका विशेष कारण है कि गांव में पर्यटन को लेकर ऐसी हवेलियां मौजूद हैं जो कि 350 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, और उनके आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तस्वीरें आज उनका उदाहरण विश्व पटल पर भी देखने को मिलता है। मैं पीछे हवेली के साथ खड़ा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि हवेली का आर्किटेक्चर जो है मुगल कलाकृति को भी दर्शाता दिखा रहा है, और ऊपर अंग्रेजों के ज़माने में चल रही आर्किटेक्ट डिजाइन को भी दर्शाता दिखा रहा है। इस गाँव में टोटल कुल 38 हवेलियों को हेरिटेज में रखा गया है। तमाम विकास की यहाँ बात की जाए तो इन हेरिटेज को लेकर लंबी लड़ाई यहाँ के समाजसेवियों के द्वारा इस गांव को हेरिटेज में बदलने को लेकर की गई। फिलहाल तमाम एक हवेली की तरफ तस्वीर में आप सहयोगी से कहना चाहूँगा, पीछे जो हवेली है वो अंग्रेजों के समय के आर्किटेक्चर का वो नायाब उदाहरण है जो कि कहीं ना कहीं आज भी मजबूती से सालों साल यानी कि सदियों से यहाँ पर अपने मजबूत स्तंभों के साथ खड़ी हुई है। तमाम समाज सेवियों ने यहाँ पर पर्यटन की नगरी बनाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी विकास के नाम से अछूता पाया जाता है। इतिहास और पर्यटन के तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन की नगरी से अछूता ये गांव आज विकास की राह। तो हवेलियों के जानकार और हवेलियों के गांव को हेरिटेज गांव तक लाने वाले संजय चतुर्वेदी से इंडिया न्यूज संवाददाता की इस खास बातचीत को देखिए। आजादी को लेकर भी इस हवेली का तमाम बड़ा रिश्ता है। हम एक ऐसी हवेली पे खड़े हैं जो कि गांधी जी से भी बड़ा अजीब रिश्ता रखती है। फिलहाल यहाँ मौजूद हैं इंद्रजीत भवन पर। इंद्रजीत वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी में लगातार प्रतिभाग किया है। यही कंस्ट्रक्शंस की अगर बात की जाए तो ये निचला एक कंस्ट्रक्शन 1800 से पहले का बना हुआ है, और पीछे की अगर ऊपर की बात की जाए जहां गांधी जी के स्मृति चिन्ह लगे हुए हैं, ये लगभग 1800 के बाद के तस्वीरें बताई जाती हैं। पूरी जानकारी के लिए यहाँ पर समाज सेवी जिन्होंने इस पूरे गाँव को हेरिटेज पर बदला और उसको यहाँ नींव रखी, तमाम देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। उनसे खास बातचीत करने के लिए संजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल कि एक संघर्ष के बाद आपने गांव की लड़ाई लड़ी, आज हेरिटेज में बदला गया, इतिहास को लेकर आप क्या कहते हैं? मैं पूर्व में भी पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, 1551 का बसा हुआ ये गांव है, और जैसा कि इसका नाम है होलीपुरा, तो होलीपुरा नाम पड़ा सिर्फ इसलिए कि इनको होली सिंह जी ने बसाया, और होली सिंह जी चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। वो 1551 में महाराज भदावर विक्रमजीत सिंह जी के यहाँ सेनापति हुआ करते थे, तो उनका बसाया हुआ ये गाँव है, और आज लगभग 472 साल से ये यथावत है। और जमींदारी राज्य रजवाड़े ख़त्म होने के बाद जब ब्रिटिश पीरियड हिंदुस्तान में शासन में आया तो यहाँ जमींदारियाँ खरीदी गई, और इस क्षेत्र में लगभग 80 गांव पर इन परिवारों का जमींदारी थी। दूसरा सवाल ये है कि आज हेरिटेज में बदला गया, कितनी हवेलियाँ कितने साल पुरानी हैं और कितना आज हवेलियों की संख्या आकलन की गई है? जी, लगभग 38 हवेलियाँ हैं, जिनको वैसे तो हवेलियाँ बहुत हैं इस गाँव के अंदर में, छोटे बड़े मकान सब तरीके के, लेकिन 38 हवेलियाँ ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने हेरिटेज में घोषित कर रखा है, और उनकी उम्र 100 साल से लेकर 350 और 400 साल तक है। कितने पर्यटकों का साल में आवागमन होता है?
ये मान के चलिए कि अब मार्च से लेके और अक्टूबर से लेके मार्च तक शायद ही कोई ऐसा दिन जाता जिस दिन दो चार पर्यटक पर्यटन के लोग या ग्रुप्स जो है यहाँ ना आते हों, वो यहाँ बाकायदा आके इस आर्किटेक्ट को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्किटेक्चर का नायाब उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। विदेशी पर्यटक आते किस तरह से वार्तालाप होती है, क्या इसको लेकर विशेषताएं बताते हैं? वो मुख्यतः उनका उनका जो होता है वो उनका मुख्यतः प्यार जो है वो इस आर्किटेक्ट से ही होता है। तो वो आर्किटेक्ट के संबंध में पूछना चाहते हैं कि ये ब्रिक कौन से टाइम की है, ये ईंट किस काल की है, ये ईंट किस काल की। तो गांव को हेरिटेज बनाने में अब आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं कई हवेलियां जो कि 300 से 400 साल पुरानी है, जो कि उस समय की ईंटों से बनी हुई है। आज भी मजबूती से गांव होलीपुरा के हेरिटेज गांव में मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कहीं ना कहीं गांव में हवेलियों की कलाकृति को लेकर हम यहां मौजूद हैं। आप पीछे एक हवेली देख सकते हैं, हवेली का नाम है इंद्रजीत भवन, जो कि गांधी जी के साथ रहने वाले देशभक्त की ये पूरी हवेली बताई जाती है। और कहीं ना कहीं मैं यहां की कलाकृति की बता रहा हूं कि लगभग 400-500 साल बाद भी ये कलाकृति, जो कि फूलों के कलर से निकालने निचोड़ने के बाद ये कलाकृति का यहाँ पर प्रिंट किया गया है। और कहीं ना कहीं गेट्स को लेकर बात की जाए या गेट्स जो बने हुए हैं वो लगभग उसी समय के बने हुए हैं। लकड़ी की अगर बात की जाए तो लगभग 300 से 350 साल पुरानी ये लकड़ी आज भी बताई जाती है। वही कहीं ना कहीं इस पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1857 का ये पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद कई 100 साल पहले इसका पूरा पीछे जो ऊपर निर्माण आप देख रहे हैं, ये जो अलग निर्माण जो है 100 साल बाद कराया गया, जहाँ पर गांधी जी की स्मृति भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इन हवेलियों का रिश्ता 400 से 500 साल पुराना है। और आर्किटेक्ट की अगर बात की जाए, मजबूती की बात की जाए, तो ये कई सदियों से आज भी अपने मजबूत पैरों पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। नींव 1551 के बाद डाली गई, लेकिन आज 2023 पर ये भी आज तमाम तूफान तमाम बड़ी प्राकृतिक आपदा झेलने के बाद अपनी जगह मजबूती से खड़ी हुई हैं। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।